है, मुझे मास्क निकालना पड़ेगा। तो गाइज आज हमें मुंबई का मिनी गोवा इसे बोलते हैं, गुराई बीच। तो आज घूमेंगे गुराई बीच और देखेंगे गुराई बीच में मिनी गोवा जैसा है क्या, इसको मिनी गोवा बोलते क्यों है। और ये एक तरह से बहुत बड़ा बीच है और आज हम घूमेंगे और बताएंगे यहाँ पे क्या क्या घूम सकते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे तो अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको गोवा जैसा ही लग रहा है, गोवा तो नहीं बट हाँ गोवा जैसा आप बोल सकते हैं। यहाँ का एटमोसफियर सेम है, अभी थोड़ा धूप है, घूमेंगे शाम को बताएंगे आपको क्या क्या हम इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए घूमते हैं। हमारा सफर चालू हुआ है दिल्ली से, तो हमने आरे रोड लिया है और यहाँ से पहुँचे हैं गुराई, जहाँ से हमें फेरी लेना है। और फेरी का जो चार्ज होता है, अगर आप बाइक लेके जाते हैं तो 40 रुपीज़, और अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपका चार्ज होता है 110 रुपीज़। ये फेरी का अलग ही एक इंजॉयमेंट होता है, एक अलग ही रोमांच होता है। तो फेरी का मज़ा लेते हुए आप भी यहाँ गुराई से गुराई बीच के जाने के लिए आपको फेरी लेना ही पड़ेगा। मोस्टली क्राउडेड ही होता है ये, और एक अलग ही तरह का रोमांच। तो चलिए हम पहुँच चुके हैं, तो लोग बारी बारी से अपनी बाइक को निकालते हुए और अब हम भी निकाल रहे हैं। तो हम जैसे ही क्रॉस करेंगे निकलेंगे हम लोग फेरी से, तो आगे हमें जो फेरी का डिपार्टमेंट होता है या फिर हम कह सकते हैं एक टिकट चेकर होता है, वो हमें फोटो की पैस लेगा हमसे और वो हमें टिकट लेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको वहाँ से पावती मिलेगी या रिसिप्ट मिलेगी उसे आपको अपने पास रखना है, तो रिटर्न में वो आपसे पूछेंगे। तो ये आने जाने का टोटल 40 रुपीज़ होता है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसे मिस ना करें, उसे उस पावती को जो कि हमें मिल रही है उसे अच्छे से रखें। तो अब यहाँ से अगर बाइक से आ रहे हैं तो आपको हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेगा, मतलब आप जब फेरी क्रॉस करेंगे। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। और काफ़ी क्राउड है बिकॉज आज संडे है, संडे का दिन है, तो ऑब्वियस बात है फैमिलीज कपल्स और फ्रेंड्स ग्रुप यहाँ पे आते हैं। यहाँ से हम लेंगे अब सीधा लेफ्ट, और लेफ्ट लेके हमारा जो रास्ता है ये सीधा गुराई बीच को जाता है। अगर आप सैटरडे को प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आने के लिए आपको रूम जो होते हैं बहुत ईजी अवेलेबल होते हैं, मतलब आप नाइट आउट करना चाहते हैं तो हार्डली आपको 1000 रुपीज़ से 1500 मैक्स 1500 में एक अच्छा खासा ग्रुप के लिए, फ्रेंड्स के लिए या फिर कपल्स के लिए या फैमिली के लिए अच्छा खासा रूम मिल जाता है, या फिर आप कह सकते हैं अच्छा खासा स्पेशियस बंगलो मिल जाता है जहाँ पे आप वन नाइट निकाल सकते हैं और एक गोवा जैसी फीलिंग ले सकते हैं। इसीलिए से मिनी गोवा भी कहा जाता है, मुंबई का मिनी गोवा। तो ये देखिए सारे आप देख पा रहे हैं, अगर आप राइट एंड लेफ्ट देखेंगे तो बहुत सारे बंगलोज टाइप के लॉज अवेलेबल हैं। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे शॉप्स भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्राउड जो है आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, बच्चे दिखेंगे आपको, फैमिली दिखेगी। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी उतना क्लीन नहीं है, दिस इज लाइक यू कैन से जुहू वाटर, जुहू के जैसा ही पानी है।
कंपेयर करें अगर जुहू से तो ये जुहू से काफी बड़ा बीच है। अब देख रहे हैं जो आपको झाड़ियां दिख रही है ये एक्चुअल में होटल्स हैं, वहां पे आपको 1000 से 1500 में वन नाइट के लिए आपको फैमिली के लिए ग्रुप्स के लिए आपको होटल्स मिल जाते हैं। नॉर्मली व्हाट पीपल डू फ्राइडे को निकलते हैं, सैटरडे संडे दे एंजॉय दिस बीच एंड दे गो बैक टू देयर होम। गोवा से बट या यू कैन सी यू कैन एंजॉय यू कैन टेल मिनी गोवा व्हाई इट्स कॉल्ड मिनी गोवा। तो हम शाम का नजारा देखेंगे, फिलहाल बज रहे हैं 3, देखेंगे शाम को क्या यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है और कैसा लगता है, घूमेंगे और दिखाएंगे आपको। इवनिंग का टाइम है, पानी काफी ऊपर आ रहा है। सूरज ढलान पे है, भी मजा ले सकते हैं। दे कॉस्ट अराउंड 50 to 100 रुपीस। Family, lot of group, lot of couples, lot of children. देख आगे देख आगे देख। बेहतरीन नजारा है, बेहतरीन शाम। आप यहाँ पे नारियल पानी, गोला, जूस, भुट्टा, समोसा, वड़ा पाव एंजॉय कर सकते हैं। गोला, यू कैन एंजॉय गोला ऑल्सो।
दोस्तों आज का सफ़र कोराई बीच का सफ़र होता है समाप्त। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए अगर आपको कुछ और देखना है तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाएंगी। तो मिलते हैं। पहले।